हमारा सौरमंडल जितना दिखने में सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा अजीब और अनोखे हैं। क्या आप जानते हैं शनि के रहस्यमयी छल्लों का असली राज क्या है? यूरेनस और शुक्र अपनी धरी पर उल्टा क्यों घूमते हैं? आखिर हमारा सौरमंडल कितना विशाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक दिन सूरज हमेशा के लिए बुझ जाएगा? चलिए जानते हैं सौरमंडल के कुछ ऐसे रहस्य और चौंकाने वाले तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारा सोलर सिस्टम जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सौरमंडल का व्यास लगभग 9 अरब किलोमीटर है, जहां सूर्य की सौर हवाएं समाप्त होती हैं और इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की अंतरिक्ष की दुनिया शुरू होती है। इस अदृश्य सीमा को कहते हैं हेलियोपॉज, जो सूर्य से लगभग 18 अरब किलोमीटर दूर स्थित है, यानी करीब 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और यह एक विशाल तारा है। इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम जो लगभग 24% गैस से बना है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य की सतह जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और प्रकाश पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं तथा यह मौसम, जलवायु और जलचक्र को नियंत्रित करता है। सूर्य भी एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन यह घटना बहुत दूर के भविष्य में होगी, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष बाद। वर्तमान में सूर्य मुख्य अनुक्रम में है। जब सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन लगभग समाप्त हो जाएगा तो वह फैलकर एक रेड जायंट में बदल जाएगा। इसके बाद सूर्य अपनी बाहरी परतें खो देगा और व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इस प्रक्रिया में सूर्य अपनी ऊर्जा का स्रोत समाप्त कर देगा, जिससे वह समाप्त माना जाएगा। हालांकि यह समाप्त होना हमारे लिए बहुत बहुत दूर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला हिस्सा है आंतरिक ग्रह। ये सूर्य के पास स्थित छोटे आकार के और ठोस सतह वाले होते हैं। इनमें शामिल हैं मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल। दूसरा हिस्सा है बाहरी ग्रह। ये विशाल आकार के होते हैं, ज्यादातर गैस या बर्फ से बने और सूर्य से बहुत दूर स्थित होते हैं। इनमें शामिल हैं जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, जिसे अब ग्रहों की सूची में से हटा दिया गया है। दरअसल सन 2006 से पहले प्लूटो को हम 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन उस समय प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाने का कारण इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा तय की गई ग्रह की नई परिभाषा थी। प्लूटो, जिसे 1930 में खोजा गया था, लंबे समय तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता रहा। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लूटो की कक्षा, आकार और प्रकृति बाकी ग्रहों से काफी अलग है। IAU के अनुसार किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, यह शर्त प्लूटो पूरी करता है। दूसरी, वह गोलाकार हो, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना दे, यह भी प्लूटो पर लागू होता है। तीसरी, उसने अपनी कक्षा के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह साफ कर दिया हो, यानी अपनी कक्षा में अपने जैसा कोई बड़ा पिंड न छोड़ा हो। यहां प्लूटो असफल है क्योंकि उसकी कक्षा में कई छोटे छोटे पिंड मौजूद हैं, खासकर काइपर बेल्ट में, यानी प्लूटो काइपर बेल्ट का हिस्सा है। इसी कारण उसे ग्रह के बजाय बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है,
जहां लाखों करोड़ों छोटे बड़े पत्थरीले पिंड पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। यहां मौजूद पिंड लगातार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें से कुछ आकार में बेहद छोटे होते हैं, जबकि कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनके चारों ओर छोटे छोटे चांद भी घूमते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिंड वास्तव में उस ग्रह के अवशेष हैं जो बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी बन ही नहीं सका। एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और रहस्यमयी हिस्सा है। सोलर सिस्टम के ज्यादातर ग्रह अपनी धरी पर एक ही दिशा में घूमते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस ग्रह बाकी ग्रहों से अलग उल्टी दिशा में घूमते हैं। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। शुक्र ग्रह का उल्टा घूमना संभवतः किसी बहुत बड़ी आकाशीय टक्कर की वजह से हुआ होगा। इस टक्कर ने उसकी घूर्णन दिशा को बदल दिया। इसके अलावा शुक्र के घने वायुमंडल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से पैदा होने वाली ज्वारीय शक्तियों ने भी उसकी धरी की गति को धीरे धीरे उल्टी दिशा में मोड़ दिया होगा। यूरेनस की स्थिति तो और भी अनोखी है। इसकी धरी लगभग 98 डिग्री झुकी हुई है, यानी यह जैसे अपने पहलू पर लेटकर घूम रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बनने के बाद यूरेनस को एक या एक से अधिक बहुत बड़े टक्करों का सामना करना पड़ा। इन्हीं प्रभावों के कारण इसकी धरी इतनी ज्यादा झुक गई और इसका घुमाव बाकी ग्रहों से अलग और उल्टा दिखाई देता है। संक्षेप में, शुक्र और यूरेनस का उल्टा घूमना ब्रह्मांडीय टक्करों और गुरुत्वाकर्षणीय प्रभावों का नतीजा माना जाता है। शनि के छल्लों का रहस्य वास्तव में बेहद रोचक और अद्भुत है। ये छल्ले मुख्य रूप से छोटे छोटे बर्फ के कणों और चट्टानों से बने होते हैं जो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। ये इतने पतले दिखाई देते हैं कि अगर इन्हें एक पतली चादर की तरह फैला दिया जाए तो ये पृथ्वी से भी बड़े नजर आएंगे। इन छल्लों की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के कई मत हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये छल्ले शनि के किसी टूटे हुए चंद्रमा या छोटे ग्रह के टुकड़े हैं जो इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण बिखर कर छल्लों में बदल गए। कुछ छल्ले लगातार नए अवशेषों से बनते और टूटते रहते हैं, इसलिए ये हमेशा बदलते रहते हैं। शनि के छल्लों में छोटे छोटे भंवर और तरंगें भी बनती रहती हैं जो इन्हें स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। शनि के छल्लों की संरचना, उनकी सुंदरता और उनका गतिशील स्वरूप वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है। अब तक शनि पर 4 बड़े अंतरिक्ष मिशन भेजे जा चुके हैं, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी हाइगेंस। इनमें से कैसिनी मिशन सबसे विस्तृत और सबसे लंबे समय तक चलने वाला रहा। यह है हमारे सौरमंडल का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल ऐसा ही एक रहस्यमय वीडियो जिसमें हमने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेकआउट करें।